गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून अभी बेटा। सॉरी सॉरी, गुड इवनिंग सर। हाँ आप बेटर है ना, ये अब देख ये सब सुंदर लग रहा है। वो वायर मिल रहा है। वो वायर नहीं होगा तो बेटा इसको पावर कैसे मिलेगा बेटा, इसे पावर भी तो चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए। सर ट्यूब के अंदर ये वाइट शीट टाइप्स का क्या है बेटा, वो दिखेगा नहीं अदरवाइज, आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए ना देखने के लिए। इसका एक जुगाड़ नहीं मिल रहा है, देखो ये बेटा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, दिखाएंगे आप। सर आप क्या सभी लाइट ऑफ कर देंगे? फिर से बोलिएगा बेटा। सर सभी लाइट ऑफ कर देंगे? हाँ लाइट तो ऑफ होगा ना बेटा, तब तो सही से दिखेगा ना। हाँ सर तभी अच्छा लगेगा। एक्चुअली कैमरा ब्लिंक कर रहा है बेटा, ये होना ही होना है। हाँ सर ये होगा, रीजन इस कैमरा को बेटा इलेक्ट्रॉन से ना इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे एक्चुअली उसको ऑन करके है। हाँ सर दिख रहा है कुछ। सर ये ब्लू कलर का जो है ये क्या कैथोड रेज? हाँ हाँ सर दिख रहा है। सर बीच बीच में और कोई कलर भी आ जा रहा है, कैमरा अजीब सा दिख रहा है। हाँ सर वो कभी कभी पिंक कलर आ जा रहा है, कैमरा का ही सब प्रॉब्लम है, ब्लिंक कर रहा है सर वैसे। हाँ दिख रहा है ना बेटा, कैमरा ब्लिंक करता रहेगा, कैमरा का उपाय नहीं है ठीक है, क्योंकि कैमरा का इंटरफेरेंस थोड़ा थोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से।
ठीक है, होपफुली बहुत देर तक इसको रख भी नहीं सकते। मैंने एक मैग्नेट लाया था, हाँ ठीक है। देखिए ये थोड़ा बेंडिंग कुछ हुआ दिखा है, ब्लिंक कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है बहुत ज्यादा, रूट नहीं दिख रहा, नहीं नहीं हो पाएगा बेटा इसमें सर, मैग्नेट लेके कुछ नहीं हो पाएगा क्या बेटा? सर कैमरा कहीं थोड़ा ज्यादा दूर करके रख दीजिए, ज्यादा मतलब थोड़ा तो दिखेगा तब, ऐसे तो कुछ ही नहीं दिख रहा, अब तो ब्लैंक हो गया सर, ब्लैंक हो गया, यस पूरा ही ब्लैंक है। हाँ सर अभी फिर भी थोड़ा दिख रहा है, ब्लिंक करता रहेगा बेटा। देखिए कैमरा भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैमरा इंटरफेयर कर रहा है ना, ठीक है सर, कैमरा का क्या रिलेशन हुआ इलेक्ट्रॉन से? वही सर मेरा भी वही बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्रिएट किया तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ना आपस में। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखेगा क्यों ऐसा हुआ। ये नॉर्मल वोल्टेज नहीं है बेटा, इनफैक्ट ये हाई वोल्टेज, दिखाते हैं आपको कितना हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज तो होता है बेटा, ठीक है, यहां लिखा हुआ है डेंजर हाई वोल्टेज, दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो ये काफी डेंजरस होता है सर, ये उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ बेटा पावर हाई वोल्टेज चाहिए, वो तो कराए थे ना बेटा कि एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज, ये अंदर वैक्यूम है फिर तो, अंदर वैक्यूम को आपको कनेक्ट करने के लिए ये चाहिए होगा, ठीक है एक मिनट। सर ये अंदर वैक्यूम क्रिएट आप लोगों ने किया कि आपने खरीदा है सर, मतलब वैक्यूम को? नहीं ग्लास ट्यूब तो आप खुद से कैसे बनेगा बेटा, ग्लास ट्यूब तो आपका वो है ना, वो तो आपको खरीद के ही लाना होगा ना। ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट आपने किया है या फिर? वैक्यूम क्रिएट करके मिलता है बेटा, ये सील्ड मिलता है। तो सर उसको तो ओपन करते ही उसमें एयर घुस जाएगा। नहीं तो ओपन कहाँ किए बेटा, सर ओपन क्यों करेंगे, जैसे ट्यूबलाइट नहीं होता है बेटा, जैसे ट्यूबलाइट मिलता है ना। हाँ सर बस वैसे ये भी मिलता है। ओके सर, यस सर, सर बहुत अच्छा दिखा है। हाँ सर अच्छा था, फाइनली मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी आ गया। हमें लगता है एक डिस्प्ले काम करना बंद कर दिया, यहाँ पर एक मॉनिटर काम नहीं कर रहा। अच्छा हाँ अब काम कर रहा है, आप देखिएगा लाइव में अगर जब करेंगे ना बेटा तो आप देखिएगा कि सारा जो टीवी वगैरह है ना वो सब डिस्टर्ब हो गया इससे। इसको ऑफ किए सब ठीक हो गया। चलिए ठीक है, तो बेटा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक पहुँच गए थे? सर रदरफोर्ड का कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सर रदरफोर्ड, हाँ सर,
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे कि हो गया था? स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हम लोग को लिखने बस बोले थे, हेडिंग का। अच्छा मैं समझ गया सर, आपने दिखाया था कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे उसके साथ बिहेव करता है, सर अल्फा पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। अच्छा एनिमेशन देख लिए थे हम लोग, आज हम लोग कंक्लूजन भी देख लिए थे, आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर। यस यस चलिए ठीक है। रदरफोर्ड पोस्टुलेटेड, पोस्टुलेटेड इज ओन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये आपसे पूछेगा रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स, तो आपको यही लिखना है नंबर वन। So what are the postulates of Rutherford model? Number one is positive charge is not spread, rather concentrated at the center, called nucleus. तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया था बेटा, थॉमसन ने बोला था स्प्रेड है, इनका कहना है स्प्रेड नहीं है, इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सर लास्ट डे कुछ एनिमेशन करके भी सर दिखाए थे जिसमें गामा रेस पड़ रहा है और कुछ कुछ में निकल जा रहा है, कुछ कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ इसका एनिमेशन देखे थे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in circular orbits. Electrons revolve around nucleus in circular orbits. Third is size of nucleus is very small. Size of nucleus is very small. Mass of atom is approximately 10 grams मीन्स अगर न्यूक्लियस का मास बेटा 10 grams होगा तो एटम का मान लेते न्यूक्लियस का मास 9.9 grams है तो एटम का मास 10 grams होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे ऑलमोस्ट डोंट हैव एनी मास negligible mass compared to that of proton and neutron. मान लेते proton का mass बेटा 1000 kg होगा और neutron का mass भी 1000 kg होता है approx, तो electron का mass 1 gram होगा। अब समझ 1000 kg में 1 gram मतलब almost negligible है, ठीक है। तो these are the postulates of Rutherford model of atom. अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपको ड्रॉ करना होगा, तो आप ऐसा बनाएंगे सेंटर, फिर यहाँ पर एक ऑर्बिट बनाएंगे,
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट अब आएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, देखो अब ये ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जो है ना बेटा, बुक में किसी ने जो लिखा है, जिसने ऐड किया है, मोस्ट प्रोबेबली उनको समझ में नहीं आया है कि इस ड्रॉबैक का मतलब क्या है, अदरवाइज वो आप लोग के सिलेबस में ऐड नहीं करते। बिकॉज इस ड्रॉबैक्स को बेटा एक तरीका है कि मैं आपको बता दूं, आप याद रख ले, दूसरा है कि आप इसको समझें। तो बेटा इसको समझना है तो देखो, समझने के लिए आपको इसमें अब काफ़ी कुछ समझना है, ठीक है। क्या है मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में लिखाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, ये साइंटिस्ट, इनका इन्होंने रदरफोर्ड को बोला व्हाई इलेक्ट्रॉन्स नीड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा। देखो न्यूक्लियस यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर खड़ा नहीं रख सकता है ना, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन कांट बी एवर स्टेशनरी, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन हैव टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कोई बताएगा बेटा ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी क्यों नहीं रह सकता यहाँ पर, व्हाई इट हैज टू रिवॉल्व? क्योंकि प्रोटॉन्स से नेचर तो वो उसके अंदर घुस जाएंगे। फिर से बोलिए बेटा। से नहीं तो वो अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। परफेक्ट बेटा, यहाँ पर बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज, so this electron will be attracted by nucleus. अब रिवॉल्व करने से क्या हो जाता है? देखो बेटा जब कोई भी चीज रिवॉल्व करता है ना, तो बेटा उसका टेंडेंसी होता है आउटवर्ड मूव करने का। फॉर एग्जाम्पल जब कार में या बाइक में आप लोग बहुत तेज टर्न लेते हैं या बस वगैरह में टर्न लेते हैं ना, तो उस समय बेटा आपका टेंडेंसी होता है आउटवर्ड जाने का, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा मौत का कुआं देखे आप लोग? हाँ सर। यस सर, टीवी में देखे हैं। यस सर। कुछ नोट की है मौत का कुआं में क्या होता है? हाँ सर, वो वॉल में घूमते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बिल्कुल सही। और बेटा और क्या नोट? सर वो लोग बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं। बहुत स्पीड से बाइक चलाता है उसके अराउंड, सर मोशन एक्सेलरेटेड होगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है सर। हर वक्त से वेलोसिटी चेंज होता है सर, टेंजेंट के अलग मूव करता है। हाँ टेंजेंट के अलग। हाँ सर, और कंटिन्यूअस भी हो क्या बेटा? ये बता दिया, थैंक यू बेटा। एक्चुअली वो YouTube का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है बेटा, YouTube का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर वो अपलोड करने नहीं देता YouTube में, ठीक है। तो इसीलिए YouTube जब भी दिखाएंगे पॉज कर देंगे, बाद में बेटा रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके सर। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी, सिंस इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी इट विल स्लो डाउन, एंड मोमेंट इट विल स्लो डाउन इट विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे बताए थे मून को जाके बेटा कोई स्लो भी कर देगा ना तो अर्थ के पास में चला आएगा। So now, since electron is losing energy, it will slow down and gradually this electron will come closer to the nucleus. Ultimately, it will follow a spiral path and
eventually colliding with nucleus. This is what Maxwell told Rutherford. Rutherford said, what is the proof? मैक्सवेल ने उनको एक लंबा चौड़ा प्रूफ लिख कर दिखा गया। फिर बाकी साइंटिस्ट ने वो प्रूफ देखा और सबने बोला मैक्सवेल करेक्ट है, रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये बोलेंगे, रदरफोर्ड वॉज चैलेंज्ड बाय मैक्सवेल दैट हाउ कम इलेक्ट्रॉन विच इज अ चार्ज बॉडी कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्रॉब्लम आया था। अब बेटा रिवोल्यूशन में क्या, रिवोल्यूशन में बेटा हमेशा एक्सीलरेशन होता है, समझिए बात को। अ रिवॉल्विंग बॉडी इज एक्सीलरेटिंग, इसका मीनिंग है बेटा यहां पर अगर वेलोसिटी बेटा अर्थ का 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर भी बेटा एक्सीलरेशन हुआ है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, बट नाउ द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, एज अ रिजल्ट देयर इज सम एक्सीलरेशन। तो मैक्सवेल का कहना था एन एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड बॉडी, एन एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड बॉडी will lose energy or radiate energy. As a result, the revolving electron will lose energy and finally should fall into the nucleus. Clear hai beta ye? Samajh mein aaya? Kisi ko doubt to nahi hai? No sir. Chale, no sir. Theek hai, chale, ab answer likhenge. Maxwell. सर फाइनली रिजल्ट क्या आया? फाइनली रिजल्ट बेटा ये है कि नील भोर ने आके बेटा इनको थोड़ा इनके मॉडल को इम्प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स डज रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, बट उन्होंने कुछ कंडीशंस बताए हैं। देखो रदरफोर्ड गलत नहीं है, मैक्सवेल भी सही है, रदरफोर्ड भी कुछ हद तक सही है। डिफरेंस ये है कि Rutherford said it is revolving around the nucleus in circular orbit. Niels Bohr, he said it is revolving around circular orbit, that is correct, but not in any orbit. Means एक ground है, खास करके Indian's ground, ठीक। तो Indian ground में बेटा path नहीं बना रहता है, तो आप अगर ये ground है बेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे चक्कर लगाना चाहो मॉर्निंग वॉक में तो यहाँ पे भी चक्कर लगा सकते हो, आप यहाँ चक्कर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई कुछ ऐसे चक्कर लगाना चाहता है तो वैसे भी चक्कर लगा सकता है, ठीक है। ये नील भोर का कहना था ये सब अलाउड नहीं है। एटम के सर वो लोग फिक्स्ड ऑर्बिटल में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड बेटा पाथ बना हुआ है, पाथ बना हुआ मतलब ब्रिक्स वगैरह से रास्ता बना हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन को उसी पाथ में चलना है, इसके अलावा और कोई पाथ में नहीं चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वही उसी पाथ को फॉलो करेगा देन इट विल नॉट लूज एनर्जी, देन इट विल नॉट लूज एनर्जी। सो मींस इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट विच आर परमिटेड और अलाउड। उसका क्राइटेरिया है बेटा परमिटेड होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो अब जाके फिर रदरफोर्ड का मॉडल इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, आप लिखेंगे मैक्सवेल सेड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड बॉडीज so it should radiate energy upon revolution. As a result,
इलेक्ट्रॉन शुड स्लो डाउन एंड इवेंचुअली fall into the nucleus and eventually fall into the nucleus. Hence, Rutherford atom is unstable. सर अभी तक किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे परफेक्ट है? यस सर। बेटा नील भोर के बाद ही बेटा नया मॉडल आएगा क्लास 11th में, वो परफेक्ट। सोमार्स फील नहीं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना होगा तो फिर तो एग्जैक्ट मॉडल का पता चला होगा ना। क्या पता चला होगा बेटा? तो विजिबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सब कुछ विजिबल हो जाएगा ना, तो फिर एग्जैक्ट मॉडल का पता चला ना। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग बाकी छोटे चीजें देख पाते। फॉर एग्जांपल लाइट से बेटा आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नॉट फॉर सीइंग और व्यूइंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज फॉर seeing cells and other smaller atom inside मतलब inside electron microscope, समझे बात को? ये ध्यान रखिएगा। और बेटा पिछला पेज एक बार और दिखाएंगे। और electricity was discovered much before electron, ठीक है? तो ऐसा नहीं हम लोग electron देख पाते बेटा, we can't see electron. Next सर प्रीवियस पेज एक और बात दिखाइए। Hence Rutherford is unstable नहीं होगा, Rutherford atom is unstable. Hence Rutherford atom is, हाँ सर हो गया, ठीक है चलो। Next अब आएगा Bohr's, नील Bohr's model. Niels Bohr's model of atom. Now what is this? What is Niels Bohr's model of atom? देखो Niels Bohr बेटा स्टूडेंट थे Rutherford के, means Rutherford इस अब ये वाले नहीं होते, स्कूल टीचर वाला स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है? एक्चुअली कॉलेज में जब आप पीएचडी करते हो ना तो आपके ऊपर एक प्रोफेसर होता है, तो Niels Bohr was पीएचडी स्टूडेंट ऑफ Rutherford, ठीक है? तो उनका भी डोमेन जो था ना, या जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो एटम का स्ट्रक्चर था। नील भोर सजेस्टेड, जैसा बता चुके बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ओनली in certain special orbit,
देखिए एक्चुअली होता है बेटा परमिटेड ऑर्बिट, ठीक है, बट यहाँ बुक में आपका स्पेशल है तो वही लिखना होगा, कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। सेकेंड है, क्लियर नहीं है बेटा आवाज आपका। सर ये ऑर्बिट्स क्रिएट कैसे होते हैं? बेटा ऑर्बिट पाथ वगैरह नहीं है बेटा, बोलते रहे बेटा, ये सारा मॉडल गलत है बेटा, ये आपको पढ़ना है क्योंकि उसको बाकी आगे का मॉडल पढ़ने के लिए जरूरी है इसीलिए, ठीक है। ये मॉडल थोड़ी ना है, फाइनली ये मॉडल स्टैंड नहीं करेगा। सर तो ऐसा गलत पढ़े ही क्यों जब सही पता है? क्योंकि सही वाला समझ में नहीं आएगा तब तक। सर लास्ट तो स्क्रोडिंगर का है ना? हाँ वो वाला सही है। सर जैसे जैसे अलग अलग मॉडल्स आप बताते जा रहे हैं कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है कि असली में एटम है कैसा। असली में एटम बेटा अभी तक जैसे बताया वैसा कुछ नहीं है। सर वो के शेल एम शेल वो वाला सही है क्या? वो वाला भी गलत है। वो भी नहीं सही है, वो भी सही नहीं है। सो बुक में यही तक दिया बस के शेल वाला। हाँ नाइन्थ में बेटा यही तक। While revolving in discrete orbit, electrons do not radiate energy as suggested by Maxwell. सर ये साइंटिस्ट सब जो अलग अलग मॉडल्स देते थे तो वो लोग अपना प्रूफ करके दिखाते थे कि हाँ इस तरीके से है इसीलिए ऐसा होगा, या फिर ऐसे ही बस थोड़ा बहुत लॉजिक लगा है और दे दिया मॉडल। जब कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा होता ना, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर जब इनिशिएट हो रहा था तो उस समय उतना प्रूफ नहीं मांगा जा रहा था, मोस्ट लॉजिकल को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा था और स्कूल में पढ़ा दिया जा रहा था। बट अब धीरे 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 वो फील्ड जब डेवलप हो जाता है, जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में धीरे धीरे हम लोग को बहुत मालूम चल जाएगा, देन वी विल आस्क फॉर मोर प्रूफ, ठीक है। तो उस समय बेटा 1790 की बात है बेटा, उस समय तो सब कुछ मांगा ही जाएगा कि क्या ही मांगेंगे। अब समझ 1793 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है, अब समझिए ना, उस समय तो एटम्स एलिमेंट इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। सर नील बोर सर अगर वो गलत था तो उसको नोबेल प्राइज क्यों मिला था? नील बोर को बेटा आप क्या बोल रहे हैं? सर वो बोला अगर नील बोर गलत था तो उसको नोबेल प्राइज क्यों मिला? बेटा क्योंकि ना ये जो अभी जो मॉडल ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं ना नील बोर का बेटा, ये इनका फाइनल मॉडल ऑफ एटम नहीं है, ये बाद में क्वांटम वाला मॉडल ऑफ एटम जो है ना उसमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे इसीलिए इनको मिला, समझे। मतलब ये जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ये नील बोर ने बस एक ही मॉडल थोड़ी ना दिया है बेटा, ये तो मतलब बाद में आगे चल के और ही मॉडल दिए हैं तो उस कारण से उनको मिला है। ओके सर।
और उन्होंने बेटा बोर्स और भी कुछ कुछ दिया, बताएंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये के सेल, एल सेल, एम सेल था। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंशियल, इक्वल्स टू टू एन स्क्वायर। के का बेटा एन वन होगा तो टू इंटू वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एल का एन बेटा टू माना जाएगा तो ये हो जाएगा एट। एम का बेटा टू इंटू थ्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो ये 32 हो जाएगा। 32 सर, ये n क्या है? क्या बेटा? सर ये 2n स्क्वायर में n है क्या? n इज द बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर फॉर द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सर इधर क्या बस k l m और n के बाद और कुछ नहीं होगा सर? होगा, बस तक ही होगा क्या बेटा? मतलब शेल और आर भी होगा, एन पी क्यू आर एस टी सब होगा बेटा। जितना चाहे उतना ही कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक कर सकते बेटा। हाँ बोलिए सर, के से पहले वाला कुछ नहीं है? नहीं बेटा, के बाद के टू जेड। हाँ के टू जेड, हाँ के तो फर्स्ट नंबर ऑर्बिट है ना। हाँ के फर्स्ट नंबर है बेटा। तो फिर अगर ऐसा कभी अगर हो गया कि जेड से भी ज्यादा कुछ अगर हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा सर? नहीं बेटा, ओनली 7 ऑर्बिट होते हैं, बस उसके बाद खत्म हो गया सारा एटम। अच्छा सर, वो एटम बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा। वो एटम बेटा अनस्टेबल हो जाएगा सर, अनस्टेबल, रेडियोएक्टिव हो जाएगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेटा अब क्या है कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर क्या है, देखो बेटा एक चीज याद रखना, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल बिकॉज एटम्स आर न्यूट्रल, दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड एटमिक नंबर। फॉर हाइड्रोजन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। सर मतलब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो अनस्टेबल है ना? क्यों बेटा, क्यों अनस्टेबल है? सर क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में से 2 होना चाहिए तो, लेकिन तो 1 बेटा है अनस्टेबल नहीं है, रिएक्टिव। सर अनस्टेबल से रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है बेटा, अनस्टेबल नहीं है। हां सर, ठीक है, नेक्स्ट। मास नंबर, सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर इज कॉल्ड इट्स मास नंबर सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन होता है ये बेटा इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर होता है ठीक है नेक्स्ट तो बेटा सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है मास नंबर 23 है तो बेटा एटॉमिक नंबर 11 देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा देखो 12 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है व्हिच इज इक्वल टू 23 माइनस 11 व्हिच इज इक्वल टू 12 ठीक है नेक्स्ट बेटा मास नंबर इज आल्सो सेम एज एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास of sodium is 23 U या unit atomic mass of sodium is 23 unit what is atomic mass उसका वजन atomic mass is also is equal to नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है बराबर ही होता है तो फिर तो इसे 22 होना चाहिए था क्यों बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फिर से बोलिए नहीं नहीं फिर से बोलेंगे बेटा
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 22 कहाँ आएगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12. 11 प्लस 12 कितना हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन नहीं ऐड करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करना है. ठीक है. नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर का एक सिंबल यूज किया जाता है. सर एक मिनट ही रहने दीजिए. Yes, sir. Thank you. Next. बेटा सोडियम है, यहाँ जेड लिखा रहता है, यहाँ ए लिखा रहता है. ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है. दिस ए स्टैंड फॉर मास नंबर एंड दिस स्टैंड फॉर एटॉमिक. निकाल लिए बेटा इसका सारा कुछ? हाँ सर. इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 17, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17 सर, न्यूट्रॉन 18. बहुत बढ़िया बेटा, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18 एंड एटॉमिक मास विल बी 35 ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा. ये लंबा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सर क्लोरीन का ये एटॉमिक मास 35 है. करेंगे बेटा, दो भी हो सकता है. 35 इज मोर कॉमन सर. आइसोटोप आइसोबार. हाँ बिल्कुल. नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे. ओके सर. ठीक है, आप लोग का बायोलॉजी क्लास बेटा अभी नहीं हो रहा ना इस वीक? सर एक ही दिन तो होता है. नहीं हो सर. हाँ, बायोलॉजी क्लास बेटा आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा. ठीक है. ओके सर. सर संजीव सर ही लेंगे? नहीं बेटा, एक मैम है, मैम लेंगी. ठीक है. प्रियंका मैम? नहीं नहीं, प्रियंका मैम नहीं बेटा. प्रियंका मैम तो क्लासेस नहीं लेती है ना. है बायोलॉजी वाली मैम बेटा, गुजरात से बिलोंग करती है, वो लेंगी. सर और ए चक्रवर्ती सर कहाँ गया? वो तो सीनियर बेटा, सीनियर क्लास लेते हैं ना बेटा. हाँ बट ठीक है, अभी मैम से पढ़िए ना. सर वो सर सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं. हाँ यस सर, वो सर बहुत सर चक्रवर्ती सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. अच्छा. यस सर. हाँ सर. ऑनलाइन में तो बेटा पता ही नहीं चल रहा कौन अच्छा पढ़ा रहा कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा बेटा, बस पढ़ाना पड़ रहा है.
ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आता है पूरा केमिस्ट्री? हाँ, सर सारे इवनिंग क्लासेस में आते हैं। अच्छी बात है, हम लोगों को पढ़ाने में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बट उपाय नहीं है, अदरवाइज सिलेबस कुछ नहीं होगा। है ठीक है, जब हो जाएगा तो अभी 2-3 महीना और हो सकता है ये प्रॉब्लम, उसके बाद तो कभी ना कभी तो सॉल्व होगा ना। ठीक है, तो आप लोग का तो बेटा यहाँ पे एक भी क्लास नहीं हुआ था ना इस सेशन में? नो सर। अच्छा, शुरू में डेमो क्लास हुआ।